हे गाइस, तो थंबनेल देखकर तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि आज हम फ्रेम्स बनाने वाले हैं, वो भी शो बॉक्स से। तो मैंने कुछ प्रिंटआउट्स निकलवाए हैं लोकल शॉप से, जिनकी कॉस्ट अराउंड 30 रुपीज़ पड़ी। तो शो बॉक्स का आइडिया इसलिए आया क्योंकि इनकी वैसे तो कोई इज्जत होती नहीं है घर में, तो इधर उधर फेंकने से अच्छा इन्हें यूज़ में लिया जाए और इनसे फ्रेम बनाया जाए। तो यहाँ पर मैं मेज़रमेंट लूँगी सो दैट कि जो शो बॉक्स है वो प्रिंटआउट के जितना ही आए। तो मेज़रमेंट करने के बाद अब आता है वो पार्ट जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो कार्डबोर्ड कटिंग करना। मैं सही से कर ही नहीं है ये, ठीक है क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा लेज़ी हूँ ना, तो कर दिया मैंने जल्दी जल्दी जैसे भी, पर आप इसे सही से करना। इसी तरह मैंने बाकी के दो भी कट कर लिए थे। अब बारी आती है लैमिनेशन शीट लगाने की। ये मैंने इसलिए लगाई कि इसे लगाने से ना थोड़ा शाइनी लुक आता है और काफ़ी अच्छे भी लगते हैं और प्रोटेक्ट भी रहते हैं आपकी शीट, क्योंकि जो बच्चे शैतान बच्चे बहुत आते हैं घर में, तो वो इसको स्क्रैच व्रैच ना कर दें। तो इसलिए आप भी लैमिनेशन शीट लगा सकते हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब ये रेडी है ऑलमोस्ट, तो अब हम लगाएंगे इसमें ब्लैक टेप। और ब्लैक टेप लगाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसमें बिल्कुल भी बबल्स ना हो, क्योंकि अगर ज़रा से भी बबल्स रहे तो जब आप अप्लाई करोगे इसको वॉल पर तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, मैसी लगेगा। तो इसलिए टेप ध्यान से लगाना, चाहे तो आप इसमें अपने फैमिली मेम्बर की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि मुझसे भी बहुत बार इसमें गलती हुई और जब मैंने वॉल पर लगाया तो वो अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप ध्यान रखें। अब ये रेडी हो चुके हैं और आपको बस इसमें डबल साइडेड टेप लगानी है। जब आप वॉल पर लगाओगे ना तो ट्रस्ट मी बहुत अच्छा दिखने वाला है। उन अमेज़ॉन से 300-400 के फ्रेम्स लेने से अच्छा है आप इसको एक बार ट्राई करके देखें, काफ़ी अच्छा लगेगा। अब पता है जब हम खुद से मेहनत करके कोई चीज़ लगा करते हैं ना तो उसका मज़ा ही अलग होता है। तो गिव इट ए ट्राई एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।